हज या उमरे को आप जाना चाहते हैं तो बहुत आसान हो गया है, रामपुर में लबैक टूर एंड ट्रेवल्स के माध्यम से जा सकते हैं। आज रामपुर के केमरी क्षेत्र से 20 लोगों का डेलीगेशन जो है वो उमरे के लिए जा रहा है लबैक टूर एंड ट्रेवल्स के माध्यम से, यानी डायरेक्टर बाबू भाई के माध्यम से आज 20 लोगों का ग्रुप जा रहा है। किस तरह का ये ग्रुप है, कितने रुपये का पैकेज है, पूरी बात उनसे करते हैं। बाबू भाई, हम देख रहे हैं कि आज 20 लोगों का ग्रुप उमरे के लिए रवाना हुआ, तो आज ये कितने लोग जा रहे हैं और कितने रुपए का पैकेज था, क्या सुविधाएं आप इन लोगों को देते हैं, पूरी बात बताइए। देखिए, आज अल्हम्दुलिल्लाह 20 लोगों का ये उमरा ग्रुप है। 1445 हिजरी हमारा इस्लामिक साल शुरू हुआ है, तो उसमें पहला ग्रुप हमने बनाया है आज। इसके बाद फिर हर 10 दिन में 8 दिन में ग्रुप बने हुए हैं। आज का जो हमारा ग्रुप है ये 88,000 रुपये का है, 20 दिन का, सऊदी एयरलाइंस के साथ। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो ग्रुप है 17 अगस्त में वो इंडिगो के साथ है, 83 यानी 83,000 रुपये का। तो फैसिलिटीज़ के हिसाब से, कैटेगरीज के हिसाब से हमारे पास 75,000 रुपये से लेकर के सब 2 लाख और 2.5 लाख रुपये तक के पैकेज मौजूद हैं। लेकिन कोशिश ये करते हैं कि कम बजट में और अच्छी खिदमत के साथ ऐसे लोगों को ज़्यादा ज़्यादा भेजें जो कि माली एतबार से कमज़ोर लोग हैं, जो कि अल्लाह के घर का दीदार कर सकें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की ज़ियारत कर सकें, कोशिश ये रहती है। बाकी इंडिविजुअल अगर कोई हमसे लेना चाहता है, ग्रुप के साथ नहीं जाना चाहता, स्पेशल पर्सनल जाना चाहता है, तो हमारे पास अल्लाह का शुक्र है फिर डिलेक्स, सेमी डिलेक्स और पैराडाइज इस तरह के पैकेज के, लॉक टावर, पुलवामा, जमजम, हिल्टन, जो कि हरम के मस्जिद मक्का में गेट पर और मस्जिद नबी के गेट पर होटल मौजूद हैं, वो वाले पैकेज भी हैं। आज कहाँ से और कितने लोग जा रहे हैं? आज 20 लोगों का ग्रुप है ये केमरी से, अल्हम्दुलिल्लाह में हम लोग लेके निकल रहे हैं, और हमारे बतौर मुख्य अतिथि अंसार भाई साहब जो कि पति हैं नगर पंचायत अध्यक्ष के केमरी, और मैंने आपको दावत दी, आपने मेरी दावत पर लबैक किया, और ये बहुत खुशकिस्मती है और मेरे लिए बहुत हौसला अफजाई की बात है कि आप जैसी हस्ती हमारे दरमियान मौजूद है और हमारी हौसला अफजाई के लिए आपने वक्त निकाला। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये ग्रुप को छोड़ने के लिए अंसार भाई साहब आए हैं, ये 20 लोगों का ग्रुप। क्या प्रयास रहता है कि किसी हाजी को किसी तरह की असुविधा ना हो, उनको हर फैसिलिटी मिल सके, क्या कोई समस्या आती है तो उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अल्लाह का शुक्र है, परवरदिगार का, पिछले 7 साल से मैं इस खिदमत को अंजाम दे रहा हूँ। जहाँ तक मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने डॉक्यूमेंट्स या इनकी जो भी कागजी कार्रवाई है, जो भी फॉर्मेलिटी, उनको अच्छी तरह से पूरा करके दें। जैसे कि इनका हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनको देते हैं। इनका उमरे का वीज़ा हो गया और राउंड ट्रिप जाने आने का टिकट हो गया, होटल के वहाँ पे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, कपड़ों की धुलाई, मक्का की सारी जाते, मदीने की सारी जाते, इस तरह की कोशिश रहती है कि मेरी सर्विस में या मेरी फैसिलिटी में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आए। पिछले रमज़ान में आप ही ने ग्रुप रवाना किया था, जिस वक्त आप अल्हम्दुलिल्लाह आए थे हमारे ग्रुप में, तो एक हाजी को हमारे अटैक आ गया था और वो होटल में ही गिर गए थे, तो उनको हमने फौरन मक्का, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ पे एडमिट कराया, और आईसीयू ऐसा कि 5-4 होटल के होंगे अपने यहाँ के, जो वहाँ का आईसीयू था, तो उनका 3 लाख रुपए का नॉर्मली खर्च इंडिया में आ जाता अगर वो यहाँ पे अपना ट्रीटमेंट कराते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 300 रुपये भी हमने खर्च नहीं होने दिए उनके, और वहाँ पे उनका वो ट्रीटमेंट हुआ, रिंग वगैरह, छल्ला वगैरह उनका सारा, जो कि अमरीका और एक हाई क्वालिटी के जो ट्रीटमेंट था वो उनको मिला। तो ये मेरी कोशिश रहती है। जो हाजी जा रहा है उसकी पूरी जिम्मेदारी आप? अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, जिम्मेदारी सब रब्बुल आलमीन की है, लेकिन क्या है कि फॉर्मेलिटी बतौर कागजी एतबार से या इनकी सुविधा की, इनकी खिदमत के, इनके खाना, इनकी देख रेख, इसकी पूरी जिम्मेदारी कोशिश करता हूँ कि 24 घंटे हाजिर होता हूँ, कोई फ़ोन आता है तो उठाता हूँ, और अपने जो भी टीम मेम्बर्स वहाँ पर मौजूद हैं मक्का मदीना, सबको इंशाल्लाह ताला इस बात के लिए मैं बराबर अवगत और कोशिश करता हूँ, उनको याद दिलाता रहता हूँ कि जब जब मेरे हाजी पहुँचे तो उनको जद्दा एयरपोर्ट पर जैसी फ्लाइट लैंड करें, इनको लेने के लिए आएँ, वहाँ से मक्का ले जाएँ, मक्का में इनको रूम दें, रूम से इनको फिर नाश्ता खाना पानी का, फिर वहाँ से मदीना, ये सारी एक सिस्टम, एक टीम है मेरी। तो आपने देखा कि 20 लोगों का ग्रुप जो है वो उमरे के लिए जा रहा है, तमाम सारे लोगों से भी हम बात करेंगे जो उमरे को जा रहे हैं। पहले जो मुख्य अतिथि अंसार साहब हैं, अंसार साहब देख रहे हैं कि आज आप मुख्य अतिथि के रूप में बने हैं, तो आज ये लोग जा रहे हैं तो इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले बाबू भाई का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इसने एक काम के लिए उन्होंने मुझे दावत दी। ये मेरी खुशनसीबी है कि आज आका के दरबार में जाने वाले लोगों के मैं दीदार कर रहा हूँ, और इन लोगों से मैं खुसूसी तौर से गुजारिश करूंगा कि मेरे लिए आप खुसूसी दुआ करें कि मुझे भी अल्लाह ताला हज या उमरा नसीब फरमाए। और बहुत अच्छा लग रहा है, बाबू भाई की बहुत खिदमत रहती है इसमें, मैं देखता हूं, मैंने बहुत कैसेट देखे, बहुत वीडियो देखे हैं जो लोग बाबू भाई की मार्फत गए हैं, बहुत बहुत तारीफ़ की उन्होंने इनकी कि बहुत अच्छी जगह है। बहुत से लोग धोखा दे देते हैं कि हम आपको वो फैसिलिटी देंगे, ये देंगे, ये सहूलत देंगे, लेकिन वो लोग वहाँ जाके परेशान होते हैं। लेकिन मैंने इनका कोई भी बुराई करते नहीं सुना कि बाबू भाई के हम मार्फत गए थे और हमें वहाँ तकलीफ उठानी पड़ी। ठीक है, तो जो लोग उमरे के लिए जा रहे हैं उनसे बात करते हैं मैं आपका। सही रहे, कहाँ जा रहे हैं उमरे को? किसके माध्यम से? बाबू भाई के। क्या क्या सुविधा बताइए? सबको सुविधा, होटल की, कपड़े धोने की, खाना पाना सब कुछ। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। कहाँ जा रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं साहब बिलासपुर का रहने वाला हूँ, इरशाद नाम है मेरा, बाबू भाई के मार्फत जा रहा हूँ मैं उमरे को। 3 लोग हैं, हमारी भाभी और हमारे बड़े भाई साहब। तो 90,000 रुपये का 15-20 दिन का इन्होंने हमें दिया है।
कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और इनकी बातें जो हैं हमें बहुत दिनों से हम आपके ऐप से देखते थे मोबाइलों पे, तो मोबाइल के ज़रिए से मैं इनसे मिला था। अब बाकी अल्लाह को जो मंजूर हो। अस्सलाम वालेकुम। हाँ सर, उम्र के लिए जा रहे हैं जी। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, बाबू भाई के एंट्री से जा रहे हैं साहब। हर चीज़ से जो है बेहतर है, बहुत बढ़िया। कोई परेशानी? किसी बात की परेशानी नहीं। हाँ, लब्बे। एक और है, क्या कहना चाहेंगे? सब खुशी खुशी बात की है कि बाबू भाई मेरे के यार दोस्ती भी हो गई है, और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि जो कुछ पता करा है चला है, उन्होंने बताया है कि फैसिलिटी बहुत अच्छी है इनकी। हाँ, अल्लाह ने चाहा तो सच्ची दिखे तो अच्छा है। कहाँ जा रहे हैं? उम्रा करने जा रहे हैं, परवरदिगार का नाम लेके। बाकी बाबू भाई के लोगों से सुना है, मगर उनके मुझे सुना तो और अच्छा लग रहा है। और अल्लाह ने चाहा तो हमारे चेयरमैन साहब भी हैं और भी परवरदिगार का सब कुछ अच्छा रहेगा। उम्मीद यही है, उम्मीद यही है अल्लाह चाहा तो। आपने देखा कि 20 लोगों का उम्रे का ग्रुप जो है, 20 लोगों का ग्रुप उम्रे के लिए जा रहा है। अगर आप भी उम्रा या हज करना चाहते हैं तो लब्बैक टूर एंड ट्रैवल्स के डायरेक्टर बाबू भाई से संपर्क करिए। मुनासिब दामों में भेज रहे हैं, उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी भी हमारी रहती है, क्योंकि जब घर से निकलता है इंसान तो हम पूरी जिम्मेदारी रखते हैं ताकि घर तक साथ खरीद के वापस आए। रामपुर से ईशान खान।